हेलो गाइस, वेलकम टू द सुपरनोवा गेमिंग। तो लोंडो कैसे हो? तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर सेट। यस यार, एक रॉयल पास में एक सेट आया है जिसको लेके लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है यार। तो हम उसी कंफ्यूजन को यार सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे यार क्या है उस सेट में एंड कैसा कन्फ्यूजन। तो यार सबसे पहले हम चल लेते हैं अपने रॉयल पास पे एंड देख लेते हैं ड्रेस के बारे में कैसा सेट है एंड कैसा कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले तो यही वाला सेट है जिसका नाम है पेपर्ड एजेंसेंट बेसिक इंटरमीडिएट एंड जो उसके बाद आता है यार एडवांस। तो लोगों को कंफ्यूजन है यार कि ये कैसा सेट है जिसको मुड़ा रहे हैं। तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है एंड वाइट, रेड, इंटरमीडिएट, बेसिक और ये सब एडवांस क्या लिख रहा है ये, तो क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको हमको अपग्रेड करना पड़ेगा या फिर क्या है? तो यही कन्फ्यूज़न हम क्लियर करेंगे यार। ये एक सेट है यार जो कि आपको फर्स्ट आरपी पे मिल जाएगा बेसिक। तो बेसिक सेट ये वाला है यार, ये देख लो, ये बेसिक सेट है। तो ये आपको फर्स्ट आरपी पे मिल जाएगा एंड जैसे ही आप सेकंड आरपी पे जाओगे यार, सॉरी, और सेकंड लेवल वाला यार जैसे ही आप 70 आरपी पे जाओगे, इधर देख लो आप, तो सेवेंटी आरपी पे हम जाएंगे यार, तो ये जो है यार अपना ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। इसके लिए हमें यार रॉयल पास तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रॉयल पास का ड्रेस है। तो 70 आरपी पे यार ये सेकंड लेवल का ये ड्रेस ऐसा हो जाएगा एंड यार थर्ड लेवल करने के लिए सेकंड लेवल का ये ऐसा हो जाएगा। ये मतलब ये वाला ड्रेस आपको सेकंड लेवल वाला इंटरमीडिएट हो जाएगा एंड थर्ड लेवल करने के लिए यार गाइस आपको करना क्या होगा यार, जैसे ही आपका 100 आरपी पूरा कंप्लीट हो जाएगा यार, तो हमें जाना होगा इसको हटा दो। जैसे ही अपना 100 आरपी पूरा हो जाएगा यार जब भी सीज़न के एंड में, तो हम जाएंगे रीडिंग पे और इस ड्रेस को जो एडवांस लेवल का ड्रेस है, पहले तो हमें फर्स्ट आरपी पे बेसिक सेट मिल जाएगा, उसके बाद हमें 70 आरपी पे इंटरमीडिएट सेट मिलेगा एंड जो एडवांस लेवल का सेट है यार ये हमें मिलेगा 100 आरपी के बाद, जब हमारे पास यार 4800 आरपी पॉइंट्स हो जाएंगे, तब जाके हम इस एडवांस लेवल वाले पेपर सेट को अनलॉक कर पाएंगे। चलो मान लो यार जैसे ही आपकी 100 आरपी कंप्लीट हो जाएगी, तो डेली मिशन और ये सारी चीज़ें करके आप यार ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आरपी कलेक्ट कर सकते हो, 1500 कलेक्ट कर सकते हो। और मान लो आप क्रिएट वगैरह ज़्यादा खोलते हो तो ऐसा करके आप 2000 तक कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यार 4800 ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो यार आपको इतने सारे आरपी पॉइंट्स चाहिए इसको अनलॉक करने के लिए, तभी जाके हो पाएगा। और सीधी सी बात में कहें यार, तो ये पबजी वाला अपना चूतिया काट रहा है, बेवकूफ़ बना के रखा है यार। आप इस आउटफिट के चक्कर में अपना आरपी भी बचाते जाओ, क्रिएट भी मत खोलो और लास्ट में यार एल लग गया। तो कंफर्म है यार कि ये नहीं मिलने वाला। अगर आप 600 यूसी वाला लेते हो इलाइट पास, तो यार तो कंफर्म नहीं मिलने वाला यार, इतना नहीं इकट्ठा हो पाता है कुछ भी कर लो। और अगर यार 1800 वाला लेते हो तो चांसेस हैं कि आप अनलॉक कर पाओगे। तो यार उसके अलावा आप इतने सारे आरपी बचा कर गया ये ड्रेस लोगे मिथिक, उससे अच्छा यार आपको क्रिएट खोल लेना। क्रिएट में यार भी और भी चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी यार, तो देख लो यार जो भी करना हो। एजेंट एक्सचेंज, इधर भी क्रिएट्स हैं, इनमें भी कुछ चीज़ें हैं, ये आउटफिट, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं देखा जाए तो। तो यार सीधी सी बात है, पबजी वाला अपना काट रहा है एंड ये वाला ड्रेस, अगर आप 1800 वाले रॉयल पास ले रहे हो तभी अनलॉक हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है यार। तो बेसिकली यही था यार इस वीडियो में, इस ड्रेस को लेके काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था कि यार क्या है ना, जब भी चेक कर रहे हैं तो ये कलर वगैरह चेंज हो रहा है, ये सब लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है ऐसा। तो यार बस यही है इस ड्रेस में, फर्स्ट लेवल ये एक ही ड्रेस आपको पूरे रॉयल पास में मिलेगा जिस ड्रेस का नाम सेम है, लेकिन ये 3 लेवल का होगा, जो कि फर्स्ट लेवल पे आपको बेसिक मिल जाएगा, 70 लेवल पे इंटरमीडिएट मिल जाएगा एंड थर्ड लेवल जो एडवांस लेवल है मिथिक ड्रेस हो जाएगा अपना। और उसको लेने के लिए 4800 आरपी पॉइंट्स चाहिए अपने को, तब जा कर के वो मिल पाएगा। तो बेसिकली यही था यार इस वीडियो में, मिलते हैं अगेन विथ न्यू वीडियो एंड कोई भी कन्फ्यूज़न है यार इस बार के सीज़न से लेकर के, तो मुझे नीचे कमेंट कर दो यार, मैं फिर से यार कुछ वीडियो डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाऊँगी आपके लिए।
तो यार मिलते हैं अगेन विथ न्यू वीडियो, तब तक लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।